लखनऊ का लूलू मॉल लगातार विवादों में बना हुआ है। यहाँ मॉल खुलने के बाद दो वीडियो ऐसे वायरल हुए जिनमें मॉल के भीतर लोगों ने नमाज पढ़ी। उन वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद मॉल प्रबंधन की ओर से एक FIR भी दर्ज की गई थी, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त मैं लूलू मॉल के उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ नमाज पढ़ने का पहला वीडियो वायरल हुआ था, और ये वो जगह है जहाँ पर इस वक्त कुर्सी और मेज डाल दी गई हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहीं पर पहला वीडियो शूट किया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति को छोड़ करके जितने भी लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने अपना मुंह जिस तरफ कर रखा था नमाज पढ़ते वक्त, उसको लेकर के चर्चा है कि वो दिशा नहीं है जिस तरफ मुंह रख के चेहरा रख करके नमाज पढ़ा जाता है। मैं आपको कंपास के जरिए दिखाऊंगा, ये आप देखें कंपास है, और ये जो डायरेक्शन है जिस तरफ ज्यादातर नमाजियों का मुंह था वो एग्जैक्ट वेस्ट है। तो पश्चिम में चूंकि काबा होता है और कहा जाता है कि नमाज पश्चिम में मुंह रख के ही पढ़ी जाती है, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक शख्स को छोड़ करके बाकी सभी ने अपना चेहरा पश्चिम की ओर ही कर रखा था। जो एक व्यक्ति था जिसका चेहरा नॉर्थ के हिसाब से कंपास के हिसाब से नॉर्थ की ओर था, वो व्यक्ति नमाज पढ़ा जा रहा था, और नमाज की डायरेक्शन नॉर्थ नहीं होती है, तो ऐसा संभव है कि वो व्यक्ति दुआ कर रहा हो और वो जो उत्तर की दिशा में है वो दुआ उधर से की जा सकती है। बहरहाल विवाद बना हुआ है, लगातार लोगों की गिरफ्तारी जारी है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ और बड़े खुलासे इन गिरफ्तारियों के बाद किए जाएंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP News, लखनऊ।